नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप इष्ट की आराधना करते हो, अपने देवी देवता की सच्चे मन से पूजा करते हो, तो आपको जब शक्ति प्राप्त होनी शुरू होती है तो कुछ संकेत आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वह संकेत शक्ति जागृत होने पर कुछ तो आपके शरीर पर दिखाई देते हैं, कुछ आपके घर पर दिखाई देते हैं, वह कुछ आपके आसपास मौजूदा हलचल से आप जान सकते हो। तो दोस्तों, बहुत से बदलाव आपके जीवन में होते हुए आपको दिखाई देंगे जब किसी न किसी देवता की या आपके इष्ट की शक्ति जागृत अवस्था में आना शुरू होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले संकेत के साथ। तो दोस्तों, जब आपके देवी देवता की या किसी देवता की शक्ति जागृत होती है तो पूजा के समय में आपको पहला संकेत प्राप्त होता है। आपको पूजा करते समय ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर का जो मेन दरवाजा है वहाँ पर किसी ने खटखटाया हो और आपको एहसास हुआ हो कि कोई बाहर से आया है, और उसके आने के बाद कोई अपने आसपास मौजूदा हलचल आप लोग महसूस करें, जैसे अपने आसपास किसी के चलने फिरने की आवाज या फिर अपने आसपास किसी होने की खटखटाहट या फिर जो पूजा का स्थान होता है जहाँ पर आप देवी देवता की पूजा करते हो, उस स्थान पर जैसे कोई हलचल होना, कोई माँ की जो तस्वीर है उसमें एक मुस्कान आपको दिखाई देना, या फिर पलक झपकते हुए माता रानी की आपको दिखाई दे सकती है, या फिर माता रानी की जो ज्योति है उनमें भी माँ के दर्शन होना और उस ज्योति का भभकना और वह शांत रूप में फिर से चलना और उस ज्योति की लौ का ऊपर की तरफ उठ जाना भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। आपका जो पूजा घर है उस पूजा घर में पूजा करने का आपका बहुत मन करने लगता है। उस पूजा घर में आपके एक ठंडक सी रहने लग जाती है, वहाँ पर एक शांत वातावरण आपके मन को मोहित करने लग जाता है, वो पूजा घर आपको पूजा के और बार बार खींचने लग जाता है। आप दिन भर घंटों घंटों उस पूजा पाठ के कमरे में बैठे रहते हो और पूजा करनी शुरू कर देते हो। आप लोगों का पूजा में बहुत सा लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के अगर संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारे साथ किसी न किसी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है और वह हमारे साथ चल रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे संकेत के साथ। दूसरा संकेत दोस्तों आपके शरीर पर दिखाई देता है, जैसे आपके कंधों का भारी हो जाना। पूजा करते समय अगर जब शक्ति जागृत होती है तो आपके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर में एक हलचल होनी शुरू होती है जो कि आपको वाइब्रेशन के रूप में दिखाई देती है। वह वाइब्रेशन दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है और आपके शरीर में एक तरंग दौड़ने शुरू हो जाती है किसी न किसी देवी देवता की। आपका सर भी भारी हो सकता है, शुरुआती तौर में ऐसा लग सकता है कि जैसे सर में और कानों में आपके दर्द हो रहा हो। दोस्तों, आपकी सांसें गहरी होना शुरू हो जाती हैं, वह गहरी सांसों की जो स्पीड होती है वो बढ़ती चली जाती है, एकदम से उनकी आवाज भी आपको सुनाई देना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे शक्ति जागृत होती है गहरी सांसों की आवाज़ बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि हमारे घर में भी उन आवाज़ों का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ इस प्रकार का भी संकेत हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूजा करते समय आपका जो मन है वह बिल्कुल शांत हो जाता है। दोस्तों, आपके मन में कोई भी क्रोध किसी के लिए नहीं होता। दोस्तों, आपकी वाणी में एक मधुरता आनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक सहनशीलता आनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर आकर्षित एक वातावरण बन जाता है जो औरों को आपकी ओर खींचना लेकर आना शुरू कर देता है।
दोस्तों एक देवी देवता वाले गुण आपके अंदर दिखाई देने आराम आराम से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब तीसरे संकेत के बारे में। दोस्तों तीसरे संकेत यह है कि आपको ध्यान करते समय अपने इष्ट देव की तस्वीर बार बार दिखाई देती हो। दोस्तों जिस देवता की शक्ति जागृत होती है उस देवता का मूर्ति या मंदिर आपके ध्यान में अचानक से बार बार आना शुरू हो जाता है। उन्हीं की तरफ ध्यान आपका आकर्षित होना शुरू हो जाता है। पूजा के करते समय आपको ऐसा लगे कि जैसे किसी ने आपको आवाज लगाई हो, आपका नाम लेकर किसी ने बुलाया हो आपको। तो ऐसे में भी दोस्तों हम जान सकते हैं कि हमारे देवता की शक्ति जागृत हुई है। दोस्तों वह आवाज केवल आपको ही सुनाई देती है, ना कि घर में किसी भी सदस्य को। दोस्तों पूजा करते समय जब शक्ति जागृत होती है तो आपके हाथों पैरों में पसीना आना शुरू हो जाता है। आपके शरीर का जो तापमान है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका तपोबल मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से आप घंटों घंटों पाठ पर बैठे रहते हो और अपने इष्ट का ध्यान और नाम जपते रहते हो। आपकी जीवा पर उनका नाम चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपका मन उन देवी देवताओं की भक्ति करने में ज़्यादा लगेगा, उन्हीं की रुचि उनके काम की रुचि में ज़्यादा करेगा और आपका मन करेगा बार बार कि मैं उन देवी देवताओं के मंदिर में जाऊं। दोस्तों और साथ के साथ उन देवी देवताओं के स्वप्न आपको आना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में उनकी तस्वीर मंदिर दिखाई देने आपको शुरू हो जाते हैं। कई बार तो दोस्तों वह देवता हमें कोई संकेत स्वप्न में समझा कर भी जाते हैं, हमें कोई मंत्रा भी देकर जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से भी हमें संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों जिस दिन उन देवता की शक्ति जागृत होती है, मतलब कि जो उनकी पूजा का हफ्ते में मुख्य दिन होता है, उस दिन आपके शरीर पर एक आलस आता है, आपका शरीर भी पूजा करते समय टूटना शुरू हो जाता है। और दोस्तों उन दिन वह देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन जरूर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा होने पर भी माना जाता है कि आपके साथ आपके देवी देवताओं की कृपा जरूर है, इष्ट देव आपके साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आखिरी और चौथे संकेत के बारे में। दोस्तों चौथे संकेत में बताया गया है कि जब इष्ट देव या आपके देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी कोई शक्ति जागृत होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलना शुरू हो जाती है। रात्रि में आपको निद्रा कम आती है और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति आपको आकर उठा रही हो। दोस्तों आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपका पूजा की ओर मन भागने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पूजा घर में कोई या कोई शक्ति आकर बैठ गई हो। आपको एहसास उन चीज़ों का होने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और वह शक्तियाँ आपके घर पर आना शुरू हो जाती हैं। तो वह आपके अंदर भी वही गुण होता है और आपकी निंद्रा भी ब्रह्म मुहूर्त में खुलने शुरू हो जाती है। आपको कोई मंत्र सुनाई दे सकता है, आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है या फिर आपको उन देवी देवताओं की आवाज़ भी पढ़ सकती है। दोस्तों साथ के साथ आपको होने वाली चीज़ों का पहले आभास होने लग जाता है, होने वाली घटना का आपको पहले पता चलना शुरू हो जाता है। पूर्व जन्म के आभास भी दोस्तों आपके साथ हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ब्रह्म मुहूर्त में इसी प्रकार का कोई संकेत होता है तो आप उनको किसी से भी न चर्चा करें, क्योंकि दोस्तों ये अनुभव अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो कि आपके साथ क्या अनुभव हुआ तो आपकी जो शक्तियां हैं वो बंद हो जाती हैं और वह अनुभव देना आपको बंद कर देती है। तो दोस्तों आप अपने अनुभवों को किसी के साथ शेयर मत करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।